हार्ड 60-डे चैलेंज क्या है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिविल गुरुजी छात्रों को जॉब प्लेसमेंट की गारंटी भी दे रहा है, तो अब ये बता दीजिए कि ये किस प्रकार सहायक है और 100% जॉब गारंटी, ये कितना रिस्क फैक्टर है आपके लिए? हार्ड 60-डे के प्रोग्राम में जो मेन टॉपिक शामिल आपने किए हैं वो कौन कौन से हैं? सर, आपकी फीस स्ट्रक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, 65% आपको बाद में देना है, ये भी हमने कहीं पढ़ा है, तो इस बारे में भी जानना चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? ये हार्ड 60-डे तो यानी हर दिन आपने कुछ नया सोच रखा होगा। सर, आपका इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के साथ कैसे कोलैबोरेट करता है? नमस्कार, करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। एक ऐसा पाठ्यक्रम जो दिला सके आपको आपका मनचाहा रोजगार, ये तो हम सबकी चाहत होती है। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, स्टूडेंट्स भी यही चाहते हैं, और पाठ्यक्रम का चयन भी हम ऐसा ही करते हैं जिससे हमें रोजगार मिल सके। आज इस विषय पर हम बात करने वाले हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हम हाजिर हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम गाइड। गाइड में आज हम बहुत इंटरेस्टिंग विषय पर बात करने वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, इसके बाद इंजीनियर्स को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इस विषय पर हमने पहले भी बात की है, लेकिन आज हमारे खास कार्यक्रम गाइड में हम और भी कुछ बात करेंगे। 100% जॉब गारंटी और 65% फीस आपको तब देना है जब आपका सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ, इस विषय पर हम बात करेंगे और बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, सीईओ फाउंडर सिविल गुरु। आपका बहुत बहुत स्वागत सर, नमस्कार। नमस्कार मैम जी। सर, सबसे पहले तो अब ये जानना है कि सिविल गुरुजी की ट्रेनिंग में हमने बहुत फेमस जो चीज सुनी है वो है हार्ड 60-डे चैलेंज, तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि ये हार्ड 60-डे चैलेंज क्या है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हार्ड 60-डे चैलेंज सिविल इंजीनियर्स के लिए एक रिवॉल्यूशनरी है कि सिविल इंजीनियर्स 4 साल की तैयारी करता है अपनी इंजीनियरिंग का, 3 साल की डिग्री डिप्लोमा कर रहा है, लेकिन 4 साल और 3 साल में कभी उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता। तो 60 दिन का एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि वो इस इंडस्ट्री की डायरेक्ट डिमांड जो कि इंडस्ट्री में चाहिए उसको, जिस किस तरीके से वो कहते हैं ना कि यदि हमको तैरना सीखना है तो पानी में कूदना ही पड़ेगा, ड्राइविंग सीखना है तो चौक चौराहे में बैठ कर ड्राइविंग नहीं सीखा जा सकता, सेम उसी तरीके से वो 60 दिन में हर दिन एक नया चैलेंज उसको पास करना है, अचीव करना है, और 60 दिनों तक यदि उस किसी ने भी जो इंजीनियर हमसे जुड़ता है और 60 दिनों तक यदि वो स्टेप बाय स्टेप 60 दिन का चैलेंज कंप्लीट करता है तो वो 60वें दिन उसके हाथ में एक जॉब है, ये हमारी गारंटी है। सर, ऐसे तो हमारे जीवन में हर दिन एक चैलेंज हमें मिलता है, फिर आपने हार्ड 60-डे ये कॉन्सेप्ट कैसे आपके दिमाग में आया? और जब हम 60-डे की बात कर रहे हैं, ये हार्ड 60-डे तो यानी हर दिन आपने कुछ नया सोच रखा होगा, तो ये करंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की आवश्यकता को क्या पूरा कर सकता है? सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की, जो आपने कहा कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है। एक इंडस्ट्री की डिमांड है कि उसके यहाँ एक ऐसा इंजीनियर आए जो उसके काम को क्वालिटी पे, टाइम पे और बजट पे कंप्लीट कर दे, यही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड है। अब इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है वो हमको अवेयर तो करना चाहता है 4 साल की इंजीनियरिंग में या 3 साल के डिप्लोमा में, लेकिन हमको सिर्फ वो इंजीनियरिंग का जो कहते हैं ना मेन्यू कार्ड दे देता है कि देख लो तुम्हारे पास क्या क्या सीखने के लिए है, किसी भी एक चीज में डीप डाइव नहीं करवाता। तो हमारे 60-डे स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के 12 कोर जोन है और उसमें सबसे बड़ा जो कोर जोन है वो है बिल्डिंग और हाईवे, ये सबसे बड़ा कोर जोन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जो कि आप सुनते भी होंगे अभी हाईवे का कितना लगातार एक्सपांशन हो रहा है और इंडिया हमारी फर्स्ट पॉपुलेशन कंट्री हो गई है, तो लोगों को बिल्डिंग भी बना के देना है। तो ये दोनों के डेवलपमेंट पे जो इंडस्ट्री का डिमांड है, ऐसा इंजीनियर जो टाइम पे, बजट पे और क्वालिटी पे काम कर ले, तो तीनों चीज हम ये हार्ड 60-डे में सिखा रहे हैं। जी सर, आपने अपने प्रोग्राम में प्रैक्टिकल स्किल्स पर हमेशा जोर देते हैं, पिछली बार भी हमने जो डिस्कशन किया था उसमें भी प्रैक्टिकल स्किल्स पर भी हम जोर देते हैं, तो ये जो प्रैक्टिकल स्किल्स है ये कितना इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल एजुकेशन से ये कैसे डिफरेंट है? सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट की लाइफ जर्नी देखते हैं मैम कि वो 12 साल तक क्लासरूम में बैठ के पढ़ता है अपनी फर्स्ट क्लास से 12th तक, उसके बाद यदि वो 3 साल की डिप्लोमा करता है तो फिर से क्लासरूम में बैठ के पढ़ता है, 4 साल की डिग्री करता है तो फिर से क्लासरूम में बैठ के पढ़ता है, मतलब 15-16 साल वो क्लासरूम की थ्योरी एजुकेशन ले रहा है। जब वो साइट पे जाता है, जब वो जॉब में जाता है, तो देखता है कि इस थ्योरी को मैं इंप्लीमेंट कैसे करूं, और वहां पे सब उसके लिए नया होता है, इसीलिए उसका टैग लग जाता है एक फ्रेशर का कि तुम फ्रेशर हो। अब कोई आदमी सोचो 16-15 साल पढ़ाई किया है फिर भी उसको फ्रेशर का टैग मिल रहा है, मतलब कहीं तो गैप है, किसी चीज को आप जो उसको चाहिए जिसमें एक्सपीरियंस वो आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो 60 दिनों पे हमने क्या किया कि जो एजुकेशन सिस्टम में गैप था
उस प्रैक्टिकल एक्सपोजर को इंजीनियर्स को प्रोवाइड कर दिया। प्रैक्टिकल का मतलब जो तुमने पढ़ा है वो तुम रियल लाइफ में अप्लाई कर सको। जब अप्लाई करने के तुम काबिल बन जाओगे, तुमको पहली बार जाके हम साइट, होता क्या है कि हमारा ट्रेनर साइट पर जाता है, उनको सिखाता है हर एक पार्ट को, और जब वो जॉब में जाते हैं तो वही चीज उनको परफॉर्म करना होता है, कोई भी चीज नया नहीं होता। मतलब साइट पर जाके उनको ऐसा फील नहीं होता कि ये मैंने नहीं देखा या मैं ये मैंने नहीं किया, तो वहां पे उसका एक्सपीरियंस काउंट होने लग जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिकली पे जो हम ज्यादा फोकस करते हैं कि प्रैक्टिकल मतलब हमारा मानना है कि लर्निंग का मतलब वही है कि जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम सीख रहे हो, उसको तुम रियल लाइफ में अप्लाई कर सको। जी, आपके अनुसार आज के सिविल इंजीनियरिंग शिक्षा प्रणाली में क्या कोई कमियां हैं, मतलब और जो कमियां आपको नजर आ रही हैं उसको हम कैसे ट्रेस आउट करते हैं और कैसे आप उसे अलग करते हैं? देखो, कमियां का मतलब यही है कि यदि मुझे भूख लगे तो मुझे खाना चाहिए, मुझे ज्ञान की बातें सुन के मेरा पेट नहीं भरेगा। जी, सेम उसी तरीके से आज हम कॉलेज को समझते हैं कि कॉलेज कौन चला रहा है, कॉलेज को चलाने वाले क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, क्या उसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो डायरेक्ट टू कनेक्ट टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये नहीं है। हमारे यहां पूरे इंडिया में प्रोफेसर बनने के क्राइटेरिया है कि आपको एमटेक होल्डर होना चाहिए। यदि आप एमटेक होल्डर हो तो आपको आप लेक्चरर बन सकते हो, आप पीएचडी होल्डर हो तो आप एचओडी बन सकते हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, लेकिन ये दोनों के पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है। अब जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है नहीं तो सिखाएंगे कैसे अपने इंजीनियर्स को, यही है जो सबसे बड़ा गैप। अब जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, क्यों कह रहा हूं मैं ये, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ना हर दिन कुछ ना कुछ नया लाती है, कुछ ना कुछ नया लाती है। नया का मतलब हर काम को करने का एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं, इतनी सारी इनोवेटिव इंडस्ट्री है, रिसर्च कर रहे हैं, तो ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे नहीं पहुंच सकता। इस एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं कि इतना बड़ा इंडिया है, इतने बड़े इंडिया में एजुकेशन को पहले तो शेड्यूल बनाना क्या पढ़ाना है, उसके बाद ट्रेनर बनाना क्या सिखाना है। जैसे ये ट्रेनर 4-5 साल में बनते हैं, इंडस्ट्री का एजुकेशन जो इंडस्ट्री का डिमांड है वो चेंज हो गया, अब फिर से एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल सकता क्योंकि बहुत बड़ी हाथी को टर्न लेना है तो बहुत मेहनत लगता है। तो इसीलिए हमारे टाइप के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो इस इंडस्ट्री में आके डायरेक्ट जो डिमांड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का उसको निचोड़ते हैं और लाके इंजीनियर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डायरेक्ट सप्लाई मिल सके। यही सिस्टम है और यही सबसे बड़ा गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि वो इतना बड़ी रूप ले चुका है कि अब टर्न लेने में उसको बहुत समय लगता है। जब तक वो टर्न लेता है तब तक फिर से इंडस्ट्री का डिमांड बदल चुका रहता है। जी, क्या आप कुछ पुराने स्टूडेंट्स की सफलता की कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं सर? मैम, मतलब ये तो हमारे लिए गर्व का मुद्दा होता है, हमको प्राउड फील होता है कि हाँ हमने सही डिसीजन लिया। मतलब मैंने 2018 में जॉब छोड़ के सिविल गुरुजी चालू किया, तो ये मेरे को कभी भी रिग्रेट नहीं होता कि यार क्यों मैं कर रहा हूँ ये। एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ मैम। एक अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट का शादी हुआ जहाँ मैं जा नहीं पाया, उसने मुंबई में शादी किया, 2019 का पास आउट है और आज करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। एक बिहार का लड़का है, एक यही अंबिकापुर का लड़का है, जो करोड़ों के टेंडर्स कर रहे हैं जी, मेरे से पढ़े हुए हैं, सब रिसेंटली 2018 2019 2020 के पास आउट लड़के हैं। एक फीमेल कैंडिडेट की बात बताता हूँ कि उसने जॉब छोड़ के मेरे यहाँ ट्रेनिंग लिया, उस समय उसकी सैलरी कुछ 34,000 रुपए थी, मेरे यहाँ 2 महीने की ट्रेनिंग ली, फिर से अपने ही कंपनी में गई और उसको 60,000 रुपए की सैलरी मिला। तो सेम कंपनी में सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ। पोजीशन क्यों चेंज हुआ? क्योंकि जो उसके सीनियर्स करते थे वो सिखाते नहीं थे उसको बैठा के, क्योंकि सीनियर्स कभी नहीं सिखाते जॉब में, वो टांग खींचने के लिए रहते हैं। वो हमारे पास आई रिस्क लेके 2 महीने का और जाके सेम कंपनी में जॉब की, तो उसको अचीवमेंट मिल गया 60,000 रुपए का। मतलब हम ये कहने में सक्षम है कि आज जितने फेमस कंपनी का नाम जानते हैं, चाहे वो टॉप लीडिंग कंपनी L&T हो, सापुर जी पालन जी हो, गैमन इंडिया हो, हर जगह ऐसा कोई कंपनी नहीं है जहां सिविल गुरु जी के इंजीनियर नहीं हो। और हम ये भी कहने में सक्षम है आज कि थोड़ा सा साउथ हटा दें हम, कि अभी हम तेलंगाना तक पहुंच पाए हैं, तो उससे ऊपर सेंटर, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, हर शहर में सिविल गुरु जी से सीखा हुआ एक इंजीनियर है जो अपने इंडस्ट्री में वो मुकाम पा रहा है जिसका वो रियल में हकदार है। ओके सर, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इंटरेक्शन भी आप अपने नए स्टूडेंट्स को उनसे करवाते ही होंगे। हार्ड 60 डे के प्रोग्राम में जो मेन टॉपिक शामिल आपने किए हैं वो कौन कौन से हैं और इनका इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंस क्या है? एक कंस्ट्रक्शन साइकिल को समझते हैं। जैसे कि एक चाय बनाने के लिए एक सीक्वेंस जरूरी है कि आपको सबसे पहले गैस चालू करना है, उसके ऊपर पैन रखना है, फिर पानी डालना है, फिर चाय पत्ती डालना है, शक्कर डालना है, फिर वो पक जाए तो थोड़ा दूध डालना है, फिर वो पक जाए तो मसाले वसाले डाल के चाय बन जाएगा। इसमें से भी कोई भी एक प्रोसेस को आप आगे पीछे कीजिए। पानी हटा के पहले चाय पत्ती डाल दीजिए, चाय खराब हो जाएगा। पहले दूध डाल दीजिए, फिर चाय पत्ती और पानी डालिए, वो आपका चाय खराब हो जाएगा। तो इसी ये सीक्वेंस जहां खराब हुआ 19-20 हुआ, कहानी समाप्त। तो उसी को मैनेज करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में सबसे पहला काम होता है डिजाइनिंग का। तो हम सबसे पहले डिजाइनिंग सिखाते हैं कि वैसी डिजाइनिंग की इंजीनियर 60 दिन के बाद अपना खुद का कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट कर ले, एज आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट, एज ए स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, वो किसी भी डिजाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल है।
सेकंड डिजाइन बनने के बाद बजटिंग आती है कि कितने रुपए में बनेगा। अब जैसे कि एक 2 BHK बिल्डिंग है वो 10 लाख रुपए में बनता है, कोई पैसे वाली पार्टी है उसको 10 करोड़ में ही बनाती है। मटेरियल चेंज होगा, अब जैसी मटेरियल चेंज हुआ तो बजट चेंज होगा, तो बजट बनाना बहुत जरूरी है। तो हम बजट सिखाते हैं मैनुअल भी, और इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है तो टेक्नोलॉजी के साथ भी सिखाते हैं ताकि उसको आने वाले समय पे कम एफर्ट करना पड़े एस्टिमेशन या बजटिंग बनाने के लिए। बजटिंग बन गई तो साइड में जाके सर्वे करना है कि लैंड का नेचर कैसा है, सॉइल को कटिंग करना पड़ेगा या उसमें फिलिंग करना पड़ेगा, उसका लेआउट करना पड़ेगा। अब इतने बड़े बड़े टाउनशिप है 100 एकड़ के 50 एकड़ के, तो उसको उसका लेआउट करना पड़ेगा, कहाँ पे कौन सी प्लॉट आना है, एक प्लॉट में कॉलम कैसा आएगा वो सिखाते हैं उसको फील्ड पे। हर एक वर्क का मतलब साइट क्लीनिंग, जमीन को साफ करने से लेके तारा लगाने तक जो की हैंडओवर की बात करते हैं, हर एक स्टेप में उसकी क्वालिटी कैसे होगी, कैसे चेक करोगे आप काम होने से पहले, काम होते वक्त, काम होने के बाद, ये सिखाया जाता है। साथ ही साथ जब काम चालू करोगे तो मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। अब मटेरियल परचेस करना पड़ेगा तो हम पूरे बिल्डिंग का मटेरियल एक साथ तो खरीदेंगे नहीं, एक प्लानिंग के हिसाब से खरीदेंगे। तो 7 दिन का प्लानिंग, 1 महीने की प्लानिंग में कितना मटेरियल चाहिए जिससे कि हमारा मनी ब्लॉक ना हो, उतना ही मटेरियल परचेस करें जितना हमको रिक्वायर्ड है हमारे प्लानिंग के हिसाब से। तो क्वांटिटी सर्वे सिखाते हैं हम कि वो सही मटेरियल सेलेक्ट कर पाए, सही क्वांटिटी में मटेरियल सेलेक्ट कर पाए। उसके बाद हम सिखाते हैं उनको बार बेंडिंग शेड्यूल, क्योंकि स्टील सबसे महंगा प्रोडक्ट है कंस्ट्रक्शन में। 1 मीटर भी स्टील वेस्ट हो रहा है मतलब आप वहां पे 500 रुपए नुकसान कर रहे हो। तो उस स्टील का कटिंग बार सिखाते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल। अब आप कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहे हो तो उसको पेमेंट भी करना है, अब पेमेंट करना है तो बिलिंग करना पड़ेगा, तो बिलिंग भी सिखाते हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का और हाईवे कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट डिटेल में डिजाइनिंग, एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे, बार बेंडिंग शेड्यूल और बिलिंग, ये पूरा काम हम सिखाते हैं इंक्लूडिंग फील्ड विजिट के साथ। कि आपको मुद्दा ये प्रैक्टिकल कि आपको क्लासरूम में तो कम, फील्ड में ज्यादा खड़े रह के काम करना है। बिल्कुल, और क्योंकि ये फील्ड बहुत ज्यादा फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ है इसलिए बहुत ज्यादा इसका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। सर आपकी फीस स्ट्रक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, 65% आपको बाद में देना है ये भी हमने कहीं पढ़ा है, तो इस बारे में भी जानना चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में। हमने जो फील किया मैम, ये बच्चा हमारे पास तब आता है जब वो पूरी दुनिया से थक चुका रहता है, वो 4 साल की डिग्री कर चुका है, पैसा दे चुका है कॉलेज में, हो सकता है कि वो 3-4 साल गवर्नमेंट की तैयारी भी करके थक चुका है, क्योंकि हमारा यहाँ रिवाज है कि इंजीनियर है तो उसको गवर्नमेंट की तैयारी करना है, जबकि पता है सिलेक्शन नहीं होगा, 0.03% का सिलेक्शन होना है इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन फिर भी एक इंजीनियर 3-4 साल अपना खराब करता है तो पूरा निचोड़ लेते हैं इंडस्ट्री, फिर वो हमारे पास आता है। तो हमारा यही प्रयास होता है कि उनके पेरेंट्स के पॉकेट पर ज्यादा लोड ना दे, क्योंकि पेरेंट्स बेचारे मजबूर हैं अपने बच्चे को कहीं ना कहीं करियर अचीव कराने के लिए। तो हमारा मानना है कि पेरेंट्स हम उतना ही पैसा चार्ज करें जितना हमको सिस्टम चलाने में जरूरत पड़ता है। सिस्टम को रन करने के लिए हम उनसे 35% फीस लेते हैं कि आओ हमारे पास पढ़ो। हमारा अचीवमेंट तभी है जब वो सक्सेस करेंगे। तो हमारा मुद्दा है कि तुम अपने पेरेंट्स से पैसा लेके मत दो हमको, तुम जॉब करो, वो भी मिनिमम सैलरी जिसको हम फर्स्ट जॉब कहते हैं। आज इंडिया में फर्स्ट जॉब 8,000-10,000 का मिलता है। हम कहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग के बाद यू विल गेन अ जॉब मिनिमम 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए से ज्यादा का जॉब मिलेगा, तब आपको हमारा बैलेंस फीस पे करना है, और वो भी इजी इंस्टॉलमेंट पे, कि सैलरी आएगी पे करते जाओ 6 महीने तक। अब इसके पीछे का मुद्दा हमने जो फील किया कि क्या होता है कि जब पेरेंट्स पैसा देते हैं ना कॉलेज में, तो एक साथ पेरेंट्स पैसा दे देते हैं, बच्चा वहां मास भंग कर रहा है, महीने भर स्कूल नहीं जा रहा है, कॉलेज नहीं जा रहा है, तो बच्चे को पता नहीं होता एक दिन का कॉस्ट क्या है, कि एक दिन में कितना रुपया खर्चा हुआ। लेकिन जब वही बच्चा अपने जेब से निकाल के चाय वाले को पैसा देता है ना मैम, कि 5 रुपए का चाय है और उसने 10 रुपए निकाल के दिया है, तो काउंटर में तब तक खड़ा रहता है जब तक वो 5 रुपए वापस ना कर दे। लेकिन लाखों रुपए पेमेंट कर चुका है कॉलेज में, उसका हिसाब किताब उसको नहीं पता होता। तो ये जो ह्यूमन नेचर है इसको हमने फील किया कि यार बच्चों से पैसा लेते हैं, जब बच्चा अपने पॉकेट से निकाल के हमको 6 महीने तक पेमेंट करता है तो सोचता है यार पैसा दे रहा हूँ और सीख लेता हूँ। तो हम उनको और सपोर्ट करते हैं कि तुम्हारा जो हमारा सर्विस है वो सिर्फ 60 दिनों तक नहीं है, 60 दिनों के बाद हम 2 साल तक उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हैं कि जॉब रियल प्रॉब्लम जॉब में आएगी जब वो जॉब करेगा। उस समय उसको जो भी दिन भर में डाउट आ रहा है वो हमको शाम को 7 से 8 हम लाइव सेशन रखते हैं, शाम को 7 से 8 आए और हमसे पूछे। क्यों पूछे? क्योंकि वो शर्माता है अपने सीनियर से पूछने के लिए। और वो पूछेगा क्यों? जब वो अपने जेब से पैसा देगा ना तो उसको वसूलना है कि भाई पेमेंट जा रहा है मेरे जेब से जा रहा है। तो जब उसके जेब से पेमेंट निकलता है तो हमसे पूछता है, हम उसको सॉल्यूशन देते हैं, मतलब वो और इम्प्लॉयबल बनता है। और यही हमारा मिशन है,
टू मेक सिविल इंजीनियर्स इंप्लॉयबल, और हमारे मिशन से अलाइन करके हमने फीस पैटर्न को डिजाइन किया है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही तरीका अपनाया है अपने स्टूडेंट्स को समझाने का। वैसे सर, सिविल गुरुजी छात्रों को जॉब प्लेसमेंट की गारंटी भी दे रहा है, 100% जॉब गारंटी लिखा है आपने, तो अब ये बता दीजिए कि ये किस प्रकार सहायक है और 100% जॉब गारंटी ये कितना रिस्क फैक्टर है आपके लिए? जॉब गारंटी, जॉब प्लेसमेंट एक ना अचीवमेंट है, एक अचीवमेंट है एक प्रोसेस का। जैसे मैं चाय बनाने का एग्जांपल दे रहा था, चाय को यदि हम सही तरीके से बनाए, सही स्टेप फॉलो करें, सही क्वांटिटी फॉलो करें, तो वो उसका अचीवमेंट होगा, एक टेस्टी चाय बनेगा। हमने थोड़ा भी उसमें आगे पीछे किया तो चाय का टेस्ट बिगड़ जाएगा। सेम उसी तरीके से हम 60 दिनों में, सबसे पहला ही चैलेंज है इंजीनियर्स का, यू हैव टू फाइंड आउट 60 कंपनी। आपको हर दिन अपने चैलेंज में वो एक्सेप्ट जो करते हैं, हर दिन को एक कंपनी का रिसर्च करना होता है। सब अलग अलग जगह से आते हैं, अभी हम 21 ब्रांचों के साथ इंडिया में अवेलेबल है, तो पूरा लगभग ऑल ओवर इंडिया हम कवर करते हैं, ऊपर देहरादून के साथ, नीचे तेलंगाना तक हैं, इधर वेस्ट बंगाल में हैं, और इधर राजस्थान गुजरात में भी हम अवेलेबल है, सेंटर में तो हम हैं ही। तो जो बच्चा जहां से आया है वो वहां की लोकल कंपनी जिसमें उसको जॉब करना है, जिस कंपनी में वो जा सकता है इंटरव्यू दिलाने के लिए, उसका एक उसी कंपनी का नाम, उसी कंपनी का वेबसाइट, उसी कंपनी का एड्रेस, उसी कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, और हम ये भी कहते हैं कि तुम उस नंबर पे कॉल लगा के पूछ लो कि ये कंपनी का एचआर का है या किसी कंपनी के किसी पर्सनालिटी का है जो डायरेक्ट बात कर सकता है, डिसीजन मेकर हो, वो कंपनी का नंबर आइडेंटिफाई करो, बस उससे पूछो मत जॉब है कि नहीं है, बस तुम अपना एक एक हर दिन एक एक कंपनी शॉर्टलिस्ट करते जाओ। वो पूरा डेटा हमारे प्लेसमेंट टीम के पास आता है, वो प्लेसमेंट टीम उन कंपनी से डायरेक्ट कनेक्शन बैठाती है कि उस कंपनी का क्या वर्किंग कल्चर है, क्या उनका प्रोजेक्ट्स है, किस टाइप के इंजीनियर्स उनको चाहिए, और जो जो इंजीनियर्स का कह सकते हैं कि डिमांड है उसको किस तरीके की जॉब में जाना है, क्योंकि हर एक इंजीनियर अपने तरीके से सोचता है, किसी इंजीनियर्स को मैनेजमेंट में जाना है, किसी इंजीनियर को टेक्निकल एग्जीक्यूशन में जाना है, किसी इंजीनियर्स को डिजाइनिंग फील्ड में जाना है, तो उसका क्या स्किल सेट है और उसका क्या डिमांड है, उसके हिसाब से हम शॉर्टलिस्ट करते हैं कंपनियां और उस कंपनियों में फिट करते हैं इंजीनियर्स को। लेकिन ये भी एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या, 60 दिन तक तो हम उसको सिखा रहे हैं, अब ये 60 दिन हर दिन एक नया चैलेंज लेके नया चीज सीखे हैं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम तीसरा महीना, इनको कहते हैं कि तुम तीसरे महीने में जॉब ज्वाइन मत करो, क्योंकि जॉब तो जीवन बन कर रहा है ना, वो जीवन के अंत तक हमको काम करना ही है, तो तुम तीसरा महीना हमको और दो अपने घर से, जिस एरिया से तुम आते हो, मान लेते हैं कोई हमको पटना से आता है तो हम उसको कहते हैं कि तुम पटना में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, हम उसको लिस्ट देते हैं कि ये आर्किटेक्चर फॉर्म है, इनके पास जाओ, इनसे प्रोजेक्ट उठाओ, प्रोजेक्ट मतलब कि मैं सिविल गुरु से आया स्टूडेंट हूँ, मेरे को प्रैक्टिस के लिए अपने पार्ट दो। प्रैक्टिस के लिए वो ड्राइंग सेट लेता है और जाके उसको पूरा सॉल्व करता है जो हमने सिखाया है 60 दिनों में, उसके जाके साइट पे जाके वो उसका क्वालिटी चेक कर रहा है, उसका पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा है, जिससे कि उसका जो लर्निंग एक्सपीरियंस जो सीखा था अब उसको इंप्लीमेंट करना है, वो इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं प्रैक्टिकली, वो 30 दिनों तक और एक्सपीरियंस्ड होता है, 4-5 प्रोजेक्ट की प्रोफाइल उसकी प्रोफाइल में और जुड़ जाती है, फिर 4 महीने हम उसको इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं और 5 महीने तक उसका सिलेक्शन हो जाता है। और यदि किसी का सिलेक्शन 5 महीने तक नहीं हुआ तो जो हमारा प्लेसमेंट फीस है हम उसको रिटर्न कर देते हैं। जी बिल्कुल, यही हमारी जॉब गारंटी। हम ये जानना चाह रहे थे उनसे कि 100% जॉब गारंटी और 65% प्लेसमेंट के जो जॉब के ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, तो अब इस विषय पर हम आगे ये जान लेते हैं सर से कि आपके प्रोग्राम में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा वैल्यू बताया जाता है, तो ये आप कैसे संचालित करते हैं? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब मैं फिर से वही कहूंगा मैम कि जो 12-15 साल बेचारे थ्योरी पढ़ के आए हैं, अब उनको थ्योरी पे भरोसा ही उड़ गया, तो सबसे पहला फर्स्ट डे ही होता है कि चलो साइट पे चलते हैं जी। कि पहले दिन हम उनको इंट्रोडक्शन देते हैं कि क्या कहानी है, अब वहां हर ब्रांच में एक ट्रेनर अवेलेबल है, बच्चे ट्रेनर के साथ साइट पे जाते हैं, अब साइट पे जाते ही उनको ना टीम में बांट दिया जाता है जी। कि तुम 2-3 नंबर्स के साथ, हम मिनिमम बच्चे एक बैच में रखते हैं 20, उससे ना ज्यादा, एक ज्यादा नहीं रखते 20 बच्चे, क्योंकि हमको हर एक बच्चे पे हम पर्सनली मॉनिटर कर सकें। अब ट्रेनर के साथ बच्चे साइट पे जाते हैं, साइट पे उनको थोड़ा सा परफॉर्म करना सिखाते हैं कि जैसे लेआउट करना है, तो लेआउट का एक बेसिक हमने पैटर्न सिखाया कि कैसे लेआउट किया जाता है, फिर टीम बांट देते हैं, वहीं कंपटीशन करवा दिया उनका कि चलो टाउनशिप है 2 एकड़ का, उसको लेआउट करो। अब एक बिल्डिंग का उनको सेंटर लाइन लेआउट करना है कि कॉलम किस पोजिशन पर आएगा, हमने उसको थ्योरी में सिखाया क्लासरूम पे, चलो साइट पे उसको परफॉर्म करते हैं, तो ये कि जो सिखाया उसको परफॉर्म करना है। सेम उसी तरीके से बिल्डिंग के हर एक चेकलिस्ट है कि एक्सकवेशन में मतलब हमको लगता है सिर्फ गड्ढे ही तो खोदना है, लेकिन गड्ढे में चेकलिस्ट है कैसे चेक करते हैं, तो जब तक हम देखेंगे नहीं चीजों को, हम करेंगे नहीं, तब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा। कि वही कहानी है, हम चौक चौराहे में बैठ के गार चलाना नहीं सीख सकते, उसी तरीके से साइट में बिना जाए हम प्रैक्टिकल नहीं सीख सकते। बिल्कुल, तो हर एक मुद्दे पे, चाहे वो स्टील का काम हो, चाहे वो पूरे स्ट्रक्चर का काम हो, चाहे वो रोड का काम हो,
सर्वेइंग करना हो हमको, हमको ग्राउंड का लेवल्स देखना है। आपने देखा होगा रोड बनते हैं तो एक दो तीन इंजीनियर ऐसे ऑटो लेवल पकड़ के एक ऐसा व्हाइट कलर का डंडा पकड़ के खड़ा रहते हैं, तो ये भी सर्वेइंग का काम है। तो ये भी बच्चा कॉपी पेन भी नहीं सीख सकता ना, पढ़ के नहीं सीख सकता, साइड में जाना पड़ता है, उसको प्रैक्टिकल वहां करना होता है। मतलब एक एक ट्रेनर के पास मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स होते हैं। जी सर, सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स कितना महत्वपूर्ण है और आप इसमें कैसे प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स की तरफ भी काफी रुझान बढ़ा है लोगों का। सॉफ्ट स्किल को सबसे आसान तरीके से समझें कि आप अपनी बातों को समझाना आता हो। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट इंजीनियर हैं जिनको काम करना तो आता है लेकिन बात करना नहीं आता, और जहां बात करना नहीं आता तो उनका ग्रोथ अटक जाता है। ग्रोथ इन द टर्म्स ऑफ मैनेजरियल ग्रोथ, कि जब भी आपको मैनेजर तभी बन पाओगे या मैनेजर पोस्ट के लिए तभी एक्सेप्ट होगा जब आप अपने लोगों से काम करवा सकते हो, और लोगों से काम करवाने का मतलब आप काम को सही तरीके से समझा पाओ। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे जो 4 घंटे की ट्रेनिंग मॉड्यूल होती है, सुबह 9 से 1 और शाम को 2 से 6, ये अलग अलग बैच है, पहले महीने मॉर्निंग शिफ्ट होता है, सेकंड मंथ इवनिंग शिफ्ट में आना होता है उनको। तो 9 से जो 1 क्लास है उसमें 9 से 9:30 जो आधे घंटे का टाइमिंग है उसमें हम नहीं पढ़ाते, हम 3 से 4 बच्चों को क्लासरूम के सामने लाते हैं, उनको 8-8, 9-9 मिनट का टाइम मिलता है कि हर एक बच्चा आज तक क्या पढ़ा हो, जैसे कि सेकंड डे की क्लास में है तो फर्स्ट डे उसने क्या पढ़ा, थर्ड डे की क्लास में है तो फर्स्ट 2 डेज उसने क्या पढ़ा उसका प्रेजेंटेशन देगा, 5 से 6 मिनट वो प्रेजेंटेशन देता है, और 2-3 मिनट जो 15-17 बच्चे क्लास में बैठे ना ये रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं। इससे क्या होता है कि उसका जो स्टेज फियर है कि आज तक उसने कभी स्टेज में नहीं गया, उसने कभी फेस नहीं किया किसी भी सिचुएशन को, वो 60 दिनों तक वो एक के बाद एक उसका जो स्टेज फियर खत्म हो जाता है, जिससे कि इंटरव्यू क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है, कि उसके पास पोर्टफोलियो तो बहुत तगड़ा है, उसको आता सब काम है, लेकिन समझा नहीं पाया इंटरव्यूअर को तो वहां भी उसका गेम खराब हो जाएगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट मिलना है एक इंटरव्यू के लिए। तो उस 10 से 15 मिनट के इंटरव्यू के लिए हम 60 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि वो आसानी से अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर सके। जी बिल्कुल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल भी काफी स्ट्रांग हो जाती है, और 2-way कम्युनिकेशन से और क्वेश्चन फायर करने से भी एक कॉन्फिडेंस तो डेवलप होता ही है। सर, आपका इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के साथ कैसे कोलैबोरेट करता है? कि जो मैं कॉलेज की प्रॉब्लम बता रहा था, कि कॉलेज की प्रॉब्लम यही है कि उसका जो करिकुलम है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड के साथ अलाइन नहीं है। जी। तो हम क्या करते हैं, जो बच्चे कॉन्टेक्ट नंबर लेके आए कंपनी का उनसे डील कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब यदि उस कंपनी का जो नीड है वो डायरेक्ट हमसे अलाइन हो जाता है, जो हमारे कोर्स करिकुलम है उससे डायरेक्ट अलाइन हो जाता है, तो हम उनसे कोलैबोरेट कर लेते हैं कि आने वाले फ्यूचर में जब भी आपको इंजीनियर की जरूरत होगा तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप हमको देना, क्योंकि हम आपके पास शॉर्ट लिस्टेड करके इंजीनियर भेजेंगे, प्लस आपको किसी जगह पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी भी तो जूझ ही रही है बेचारे, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को किसी जगह पे सपोर्ट की जरूरत होती है तो सिविल गुरुजी उनको सपोर्ट कर देता है फॉर द पर्पस ऑफ अलाइनिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कैसे प्रोजेक्ट मैनेजर को अलाइन करें, किस तरीके से वहां क्वालिटी चेक का परफॉर्म किया जाए, क्योंकि हमारा इंजीनियर गया तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन लेके जाता है। अब उस कंपनी में वो काम कर रहा है, उस कंपनी में कोई भी समस्या है तो हमको हमारे डाउट सेशन जो शाम को करते हैं अपन लाइव सेशन वहां पे आगे पूछ लेता है, जिससे कंपनी को भी सपोर्ट मिल जाता है, इसलिए कंपनी हमसे डायरेक्ट टाई अप कर ले रही है कि इंजीनियर भी हमसे लेंगे, सपोर्ट भी हमसे लेंगे। प्लस कुछ कंपनी ऐसा है जो हमारे, जो मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 12 कोर जोन होता है, जिसमें हम 2 कोर जोन को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्डिंग और हाईवे, 8 कोर जोन नहीं प्रोवाइड कर रहे जो कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब जैसे किसी को सोलर एनर्जी पे काम करना है, वो चाह रहा है कि हमसे इंजीनियर ले ले, लेकिन हम उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हम क्या करते हैं उसकी पूरी नीड समझते हैं कि एक्चुअल में उसकी नीड क्या है, और उस नीड को हमारा जो YouTube प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया में हम बहुत तगड़े हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम उसका अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं कि किस किस तरीके से काम होता है, क्या उसकी चेकलिस्ट है, हम वहां से उस कंपनी को सपोर्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिए और वहां से इंजीनियर हमारे पास शॉर्टलिस्ट हो गए कि कौन कौन चाहता है वहां करना, और वहां से हम उनको पहुंचा देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी अच्छे से इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो हार्ड 60-day प्रोग्राम आपने मॉड्यूल बनाया है, आपने उसकी एक एक बारीकी को हमें बहुत अच्छे से समझाया, और आशा करते हैं कि जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं जिन्हें जॉब की रिक्वायरमेंट है उनके लिए काफी मार्गदर्शन वाला डिबेट है, और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाइड में हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, कीजिए इंतजार। नमस्कार, थैंक यू।